हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति ठाकुर स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज तो मैं और ज़्यादा अच्छी हो गई, इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ, इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैं नहीं बता सकती फ्रेंड्स कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी मैं। और बहुत मतलब आपको मैं बता दूं कितनी मुश्किल से जाके ये मेरे हाथ लगा है। आपसे मैं बताऊं कि 20 मार्च या अप्रैल ना, हाँ 20 मार्च से मैं इसका वेट कर रही थी। 20 मार्च से फाइनली वो दिन आ ही गया, सिर्फ आप लोग की बदौलत। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ तक पहुँचती। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है फ्रेंड्स। मोनोटाइज तो मतलब कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन एक चीज और आया है, मैं आपको दिखाऊं दिखाऊं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गूगल एडसेंस आ गया। वाओ, एक सपना 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 आज बता रही। मैंने मतलब सोचा ही नहीं था फ्रेंड्स, नहीं सोचा था। ये सब मेरी वाइटी फैमिली के मतलब वजह से हुआ है। अगर आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट नहीं देते फ्रेंड्स, तो शायद ये जर्नी मेरी कंप्लीट ना हो पाती। मैंने बहुत मेहनत किया है, आपसे मैं बता दूं कि मैंने बहुत मेहनत किया है। और मैं आपको अपना बताती हूँ जर्नी कि मैंने स्टार्ट कैसे किया और किसका किसका सपोर्ट था इस जर्नी में। सबसे पहले तो मैंने अभी एक साल पहले स्टार्ट किया था, फरवरी में मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी जिसका नाम दीक्षा है, तो उसकी शादी थी तो मैं गई थी मायके। तो वहाँ से मैंने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो मैं मतलब वीडियो तो नहीं बनाई थी, बस ऐसे शॉर्ट्स एक डाली थी, तो वो वायरल हो गया था, फिर 2 मिलियन चला गया था। और तभी से मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग डाली हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे ब्लॉग मतलब ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैं बस ऐसे अपना थोड़ा थोड़ा जो शूट करती थी तो वो डाल देती थी आप लोग के लिए। तो ऐसे करते करते अच्छा, एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती थी फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ मुझे नहीं आती थी। तो जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो दोनों एडिट करते थे और आप लोग के लिए मैं उसको ब्लॉग मतलब करके डालती थी, मुझे नहीं आता था। धीरे धीरे मैंने सीख लिया फ्रेंड्स। मैंने बोला कि क्योंकि बच्चों की भी पढ़ाई है, छोटा वाला स्कूल चला जाता है, बड़ा वाला लाइब्रेरी चला जाता है, तो फिर मतलब कब तक मैं वेट करूं। तो मैंने धीरे धीरे सीख लिया कि लाओ मैं सीख लेती हूं, मैं खुद एडिट करूंगी। तो फिर मैं खुद एडिट करने लगी। और सबसे पहले तो जब मैं स्टार्ट नहीं की थी यूट्यूब, तो मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं YouTube ज्वाइन करूं, बट मुझे जीरो नथिंग YouTube के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कैसे व्लॉग बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, और मतलब कुछ नहीं पता था। बस मैं देखती थी कुछ लोग का व्लॉग, वो मैं नाम नहीं बता सकती, मैं जिसका देखती थी, तो मैं कुछ लोग का देखती थी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड जी से बोली, भाई सबसे पहले तो उन्हीं से इजाज़त लेनी पड़ेगी ना। तो हस्बैंड जी से मैं बोली कि मुझको ब्लॉग बनाना है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी हस्बैंड जी मेरे बाहर रहते हैं, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, वो पुलिस में है SI पोस्ट पे, तो उनकी पोस्टिंग इस समय बांदा में है। और मैं और मेरे दो बच्चे, तीन लोग घर में रहते हैं, और मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, आते जाते रहते हैं क्योंकि गांव में भी खेती बाड़ी है, तो वहां भी देखना जरूरी है फ्रेंड्स, तो अप डाउन करते रहते हैं। तो जब मैंने उनसे बात किया तो वो मतलब भाई उनको भी नहीं नॉलेज, जैसे मुझे नहीं, मैं तो देखती थी ब्लॉग, वो कहाँ ब्लॉग देखते थे, उनको मतलब इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था। तो बोले कि तुम देख लो, अगर तुमको सही लगता है तो तुम करो। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो पूछे कि उसमें क्या कैसे होता है, तो मुझे भी तो ज़्यादा नॉलेज थी नहीं फ्रेंड्स, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में एक दो ऐसे डाला तो वो चला नहीं, तो मतलब एक होता है ना डीमोटिवेट हो जाता है आदमी, तो मैंने डालना ही बंद कर दिया। उसके बाद मैं दीक्षा की शादी से कंटिन्यू फिर मैंने डालना स्टार्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है जब मैं डालने लगी, हस्बैंड जी देखे और सब लोग का देखे तो बोले ठीक है तुम कर सकती हो। उनका सपोर्ट मेरे साथ आपसे बताऊं हमेशा रहता है। अगर मैं कोई भी चीज़ कहती हूँ तो कभी मना नहीं करते, कभी भी नहीं। कोई भी चीज़ मैं बोलती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, ये तो यूट्यूब की ही बात है, किसी भी चीज़ के लिए कभी आज तक मना नहीं किया मेरे हस्बैंड ने, हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं हमेशा।
तो सबसे पहले तो मैं हस्बैंड जी को अपने थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट किए तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, नहीं शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और मेरी फैमिली, मेरे मायके की फैमिली, जैसे कि आपको पता है ज्वाइंट फैमिली है, तो मेरे जितने भाई बहन सब लोग, उन लोग का भी बहुत सपोर्ट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। जब मैं स्टार्ट की थी, शादी में गई थी, तो वहाँ मेरे भाई बहन कोई भी सूट कर देता था, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही करूँ, किसी दे देती थी तुम कर दो तुम कर दो। और मैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है, तो सब बहुत खुश हुए मेरे लिए कि नहीं दीदी बहुत अच्छा है, आप करिए, आप कर सकती हैं। मतलब एक होता है ना कि आप कोई चीज़ अभी स्टार्ट करो तो मतलब अपनी फैमिली से बताओ कि मैंने ये किया है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि डर भी था कि मतलब मैंने परमिशन तो ले ली हस्बैंड जी से, मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। लेकिन मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और तब से लेके अभी तक हमेशा बस एक ही चीज़ कि दीदी आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप कर सकती हैं। मतलब एक होता है ना कि अगर थोड़ा सा कोई पीछे से पुश करता है ना, तो लगता है कि हाँ मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट ना करने वाले भी बहुत लोग हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मेरे मायके में तो मुझे सब सपोर्ट करते हैं, सब लोग, और सबको मैं थैंक यू सो मच। सब पूरी अपने जो मेरी भाई बहन हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भी हाथ है आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब मेरा ये आने वाला था, तो रोज मेरे भाई मुझसे पूछते थे, दी आया कि नहीं आया। मेरी बहनें भी मुझसे पूछती थी कि दी आया कि नहीं। तो इसके लिए मैं थैंक यू सो मच मेरे भाई बहन। और मेरे सास ससुर, वो लोग भी कभी भी मतलब ये नहीं था कि हाँ मैं ये कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे रोक टोक लगाए कि हाँ प्रीति तुम ये मत करो, अच्छा नहीं लगता। गांव में मेरे ससुराल में भी कई लोग देखते हैं, तो मतलब मेरी मम्मी भी मुझे कभी नहीं मना की, ना मेरे ससुर ना मेरे सास, कभी भी नहीं मना की कि हाँ प्रीति ये चीज़ ना करो। सपोर्ट था मेरे मम्मी पापा का भी, मेरे हस्बैंड जी का, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, सबका सपोर्ट था। और मतलब आदमी जब अपनी मेहनत से अगर 1 रुपया भी कमाता है ना, बहुत खुशी मिलती है। तो आज मैं अपनी मेहनत से, और जो मेरी वैटी फैमिली मुझे देख रही है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जितने लोग सपोर्ट किए मुझे, सबको तहे दिल से थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू सो मच। और एक और खुशखबरी कि मेरी 50K फैमिली कंप्लीट हो रही है फ्रेंड्स, ये भी बहुत खुशी की बात है, सब आप लोग की वजह से। मैंने कभी नहीं सोचा था फ्रेंड्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी यहाँ तक, आदमी साल 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है ये हासिल करने में, ये हासिल करने में। लेकिन आप लोग की प्यार की वजह से 1 साल में मेरा कंप्लीट हो गया, 1 साल में कंप्लीट हो गया सिर्फ आप लोग की वजह से। और इसके लिए मैं आपसे बता दूं फ्रेंड्स, इतना दौड़ी हूँ मैं, मेरा 20 मार्च को वहाँ से डिस्पैच हो गया था, क्योंकि मैसेज आया कि आपका 20 मार्च को डिस्पैच हो गया है गूगल पिन। तो फिर मैं डाक खाने गई, एक डाक खाने गई, वहाँ बोले उस डाक खाने जाइए, उस डाक खाने गई तो वो बोले दूसरे डाक खाने जाइए। मैं आप समझ लो कि रोज मैं तीन तीन डाक खाने का चक्कर लगाती थी सिर्फ इसके लिए। अगर ये ना मिलता, आप लोग को पता है कि अगर गूगल पिन आप नहीं डालते हो तो आप मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, अगर आपका चैनल मोनोटाइज हो गया है तो मेरा चैनल मोनोटाइज तो हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन बिना इसके कुछ नहीं था। जब तक आप, इसमें कोड होता है पिन कोड, जब तक आप नहीं ऐड करोगे तब तक मतलब मोनोटाइज का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स, और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं जब दोपहर में गई अपने बेटे के साथ, तो मिला तो मतलब वहीं मैं, जितने भी लोग डाक खाने में थे सबको थैंक यू बोली कि आप मतलब मुझे दिए, उनके एरिया में वो नहीं आता है जहाँ मेरा घर है, लेकिन फिर भी मुझे दिए, तो इसलिए जितने भी लोग सपोर्ट किया थैंक यू सो मच। और बहुत लोग हैं जिनका सपोर्ट नहीं था और ना ही है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी कि किसका नहीं था। हाँ, जिसका जिसका था वो मैंने बता दिया, मेरी फैमिली सबसे पहले, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, सबका सपोर्ट था, तो मिल गया। और अब
पैसे आएंगे फ्रेंड्स, पैसे ही पैसे। अब पैसे आएंगे, अब जितनी मैं मेहनत करूंगी उतने ही ज्यादा आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा आप लोग को बता दूं कि मेरा गूगल एडसेंस आ गया है, और अब इसको अभी मैं ओपन करूंगी, देखूंगी और जैसा भी होगा। और मैं सोच रही हूँ कि क्या सोच रही, नहीं कुछ नहीं, जो सोच रही थी वो छोड़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। व्लॉग क्या था, बस थोड़ी सी आप लोग से मैंने बातें की है, अपने दिल की बातें की है कि आज यहाँ से यहाँ पहुँचाने वाले सिर्फ आप ही हैं। मतलब जब आदमी ज्यादा खुश होता है ना फ्रेंड्स, तो शब्द नहीं होते ना, वही मेरे पास भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बस मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, बोले ना वाइटी फैमिली, मेरी फैमिली, थैंक यू सो मच। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। बाय बाय एंड जय राम जी।